एक तरफ लोग तीन तलाक बिल पास होने की खुशी मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाथरस में व्हाट्सएप पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम टाउनशिप में रहने वाली शमा परवीन की शादी 8 साल पहले हुई थी। बीते कुछ महीनों से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसके चलते पीड़िता के पति ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक का फरमान लिखकर भेजा। महिला का ये भी कहना है कि उसके शौहर ने खाली कागज पर धोखे से दस्तखत लिए और लिखित तलाक भी दिया। महिला ने बताया कि वो तलाक नहीं चाहती है, बल्कि अपने पति को सजा दिलाना चाहती है, जिसके लिए उसने महिला थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस मामले में कुछ नहीं कर रही है। मामला है, मेरे आदमी ने मुझे तलाक दे दिया है। मैं बार बार कोई महिला थाने जा रही हूँ, जहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और वो भी आ रहा है मेरा हस्बैंड। पता नहीं कुछ उसके बारे में कुछ ऐसा एक फोन पे ही उसने कुछ कह दिया होगा, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उसको भगा दिया जाता है। आपके पति ने आपको किस तरीके से तलाक दिया है? फोन पे दिया था और लिखित में भी दिया था व्हाट्सएप पे। अच्छा, लिखित में व्हाट्सएप पे दिया है तो किस तरीके से लिया है? ये दो नंबर से लिया है। मेरे नाम का कनेक्शन था मेरी ससुराल में, मैं यहाँ रहती थी, मारपीट की मुझे निकाल दिया गया, बहुत गंदा माहौल था, बहुत मेरे पास आ गया, चल हम दोनों रहेंगे साथ, यही रहेंगे, ठीक है, ऐसा है तेरे नाम का कनेक्शन है, उसे कटवा दे, मीटर ना कोई, वो बिल नहीं कोई भर रहा। मैं कि मैं चलूँगी साथ में, कि तू परेशान मत हो रूम में, इधर सिग्नेचर कर दे, मतलब स्टाम्प लेके आए थे, उसमें कुछ नहीं लिख रहा। मैं कि इसमें तो कुछ लिख रहा ही ना है, कि कोई बात नहीं है, मैं भर दूँगा इसे अपनी, और तू लिख दे इसे। मैंने अपना नाम लिख दिया और फिर ले जाके एक मेरे बड़ा वाला बेटे को भी ले गया, और वहाँ से धमकी दिखा रहा, फ़ोन पे बोल दिया तीन तलाक, और लड़का मेरे पास रहेगा, अब तू जो कर ले, मैं ना किसी कानून से डरूँ और ना किसी उससे कोर्ट से डरूँ, ये वही। इस मामले में SSP का कहना है कि 27 जुलाई को महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें महिला का पति के साथ विवाद था, जिसके लिए दोनों को थाने भी बुलाया भी गया था, लेकिन महिला ने दोबारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई और व्हाट्सएप पर तलाक की बात बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शिकायत दर्ज कर ली है। देखिए, यहाँ कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला है, जिसकी शादी सादाबाद में हुई थी, और 27 तारीख को जैसा इसका कहना है कि इसने एप्लीकेशन पहले महिला थाने में दिया था, जिसे महिला थाने से उसकी काउंसलिंग के पर्पज से उसके हस्बैंड को और उसके परिवार को बुलाने का प्रयास किया गया था, और उसके बाद वो महिला का दोबारा आज आगमन हुआ। उसने कहा कि उसका पति ने उसको व्हाट्सएप पे तीन तलाक या इस तरह कुछ लिख के भेजा है। इस संबंध में थाना महिला थाने पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें एक नया कानून जो अभी आया है, उस संबंध में भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी तीन तलाक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले को सुलझाती है और पीड़िता को कब तक इंसाफ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।